बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक दो सवाल बन जाते हैं कमीशन के एग्जाम में ILO के बारे में, तो एक तो एब्रिवेशन याद रखिएगा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये बार बार पूछा जाता है कि ये बनी कब थी। 1919 के अंदर ये बनाई गई, लेबर के जो राइट्स हैं उनके जो हकूक हैं उनके लिए बनाई गई थी। ये कहा यह जाता है कि तो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, उसमें जो लेबर था, लेबर जो होती है, जो गरीब तबका था, लेबर तबका जो था, ये बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया था जंगों में। तो इस वजह से फिर उनके जो मजीद हकूक थे उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ILO। तो ये UNO की आप कह सकते हैं कि जैली मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उसी के अंडर है, उसी का आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रांच आप कह सकते हैं, या उन्हीं के अंडर ये काम करती है, इस तरह से कहने। मेंबर, इसका हेडक्वार्टर बेटा पूछा जाता है बार बार, जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, आपको पता है स्विट्जरलैंड, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर। इसके जो मेंबर कंट्रीज है 187 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने ILO को ज्वाइन किया हुआ है। इस तरह से इन्हें नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था 1969 में, ILO को नोबल पीस प्राइज मिला है। इसी तरह से लेबर डे के हवाले से अभी आपको पता है 1 मई गुजरा है, तो हर साल जो 1 मई है ये लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 1886 की ये बात है, पूरी दुनिया की जो लेबर थी इकट्ठी हुई थी शिकागो में, अमेरिका की बात हो रही है वहां पे, और अपने राइट्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, एहतजाज किया था। इससे पहले आपको बताएं कि कोई टाइम टेबल नहीं था, 8 घंटे ड्यूटी नहीं थी, 24-24 घंटे भी लेबर से काम कराया जाता था, उनके कोई हकूक नहीं थे, तनख्वाहें उनकी ना होने के बराबर थी, जबरी मुशक्कत कराई जाती थी। तब तो आपको पता है लेबर के एक ड्यूटी टाइम है, 8 घंटे वो काम करती है बस। तो इस तरह से जो है ना जी, ये जो हकूक जो लेबर थी पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे वहां पे, कहाँ पे, शिकागो में, 1886 की बात है, वहां इनके बतशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई, उसमें से कुछ शहीद भी हो गए थे। उसके बाद फिर और भी ज्यादा ये जो लेबर तबका था ये मजीद इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपने मकसद थे उसमें कामयाब हुए, और लेबर के जो हकूक थे उनकी जंग लड़ी थी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बेटा 2-3 सवाल बन सकते हैं लेबर डे के हवाले से, और जो है ना जी ILO के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।